हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। दोस्तों, मैं अंग्रेजी सीखकर बहुत खुश हूं। क्या आप अंग्रेजी बोलकर खुश हैं? क्या आप क्रिकेट मैच जीतकर खुश हैं? वह यानी कि सीता अपने घर लौटकर बहुत खुश है। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं ग्लैड टू का। अब ये ग्लैड टू क्या होता है, बड़ा अजीब वर्ड है, देखने में नया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो आज मैं आपको इस 5 से 10 मिनट की क्लास में कुछ नए सेंटेंसेस सिखाने वाला हूं, उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और इस बात की पूरी गारंटी है कि 5 मिनट के इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे, क्योंकि आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में अभी से ये यूज ऑफ ग्लेड टू शामिल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए एक सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस का नाम है, वह पुरस्कार पाकर खुश है। इसे कैसे बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे, He is glad to receive this prize। एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, वह अपनी दोस्त को देखकर खुश है। He is happy to see his friend। लेकिन ये काफी नहीं है, ये दो सिर्फ एग्जाम्पल है। चलिए मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल वाले सेंटेंस करवाता हूं। यहां पर देखिए, अगर आपको इस तरीके के सेंटेंस बनाना है तो आपको बोर्ड पर देखकर कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करनी होगी। यहां देखिए, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है सब्जेक्ट। उसके बाद अगर ये प्रेजेंट है तो आपको इजे मार लगाना है, अगर ये पास्ट है तो आपको वॉज वर्ब लगाना है, इफ इट इज फ्यूचर आपको लगाना है विल बी। उसके बाद यहां पर ये ग्लेड टू लगा देना है। क्या लगा देना है? ग्लेड टू। उसके बाद यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा, मैं आपकी मदद करके खुश हूं। सेंटेंस क्या है? मैं आपकी मदद करके खुश हूं। कैसे बोलोगे? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम। उसके बाद हमारा ग्लेड टू, आई एम ग्लेड टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, मदद करना मतलब हेल्प करना, आई एम ग्लेड टू हेल्प यू। हमारा अगला सेंटेंस है, वह अपनी दोस्त को देखकर खुश है। कैसे बोलेंगे? शी इज गुड टू सी हर फ्रेंड। वह को बोलेंगे शी इज गुड टू सी हर फ्रेंड्स। अब ऐसे तो हम मल्टीपल सेंटेंस बोल सकते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, हम प्रोजेक्ट खत्म करके खुश हैं। वी आर ग्लेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट। कैसे बोलेंगे? वी आर ग्लेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट। अगला सेंटेंस है, वह पुरस्कार पाकर खुश है। ही इज ग्लेड टू रिसीव अवार्ड। हम उसकी सफलता का जश्न मनाकर खुश हैं। वी आर ग्लेड टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या क्या पाकर खुश है, तो आप बोलोगे आई एम, या यहां लिख देता हूं आई एम ग्लैड। क्या बोलेंगे? यहां पर देखिए, आई एम ग्लैड टू, और इसके बाद आपको रखना है दोस्तों यहां पर वर्ब्स। क्या रखना है? यहां पर आपको मल्टीपल वर्ब्स रखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस सोचते हैं, क्योंकि सोचने से ही होगा ना दोस्त। तो जैसे मैंने एक वाक्य यहां पर बोला, मैंने कहा, भैया मैं ना अंग्रेजी बोलकर बहुत खुश हूं। आई एम ग्लेड टू स्पीक इंग्लिश। आई एम ग्लेड टू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूं। कैसे बोलेंगे? आई एम ग्लेड टू मीट यू। क्या बोलेंगे? आई एम ग्लेड टू मीट यू। मैं नया मोबाइल खरीद कर बहुत खुश हूं। आई एम ग्लेड टू बाय अ न्यू मोबाइल। बाय अ न्यू मोबाइल। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा कि राहुल, या मैंने कहा कि मैं ना नए कपड़े पहन के बहुत खुश हूं। आई एम ग्लेड टू वियर न्यू क्लोथ्स। क्या बोलेंगे? आई एम ग्लेड टू वेयर न्यू क्लोथ्स। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा कि मैं कंप्यूटर चलाकर बहुत खुश हूं। आई एम ग्लेड टू ऑपरेट कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? ऑपरेट कंप्यूटर। सो गाइज, आपको ना एक बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके के हम मल्टीपल सेंटेंस बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अभी कहीं जाना मत, आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस की, फिर लास्ट में दूंगा 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क, वो आपको कॉमेंट में करना है। यहां पर देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, वह अपने सपने पूरे करके खुश है। सेंटेंस क्या है? वह अपने सपने पूरे करके खुश है। कैसे बोलेंगे बेटा?
He is glad to achieve his dreams. सपने पूरा करना मतलब उनको अचीव करना. अचीव हिज ड्रीम्स, है ना. चलिए अगला सेंटेंस आप बताइए. मैं यह किताब पढ़ के खुश हूं, कैसा बोलोगे. मुझे बताया आपने मन में आंसर सोच लिया है, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट इन द कॉमेंट. देखिए, मैं यह किताब पढ़ के खुश हूं. आई एम ग्लैड. क्या बोलेंगे. आई एम ग्लैड टू रीड दिस बुक. क्या बोलेंगे. आई एम ग्लैड टू रीड दिस बुक. दोस्तों, मैंने यहां पर तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, लेकिन आपको ना ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखना है तो ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएगी. कि आपको इज एम आर के बाद एम लगाया, फिर ग्लेड टू लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन उसके बीच में टू को नहीं भूलना है. ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू द प्रैक्टिस. सी द थर्ड क्वेश्चन. वह पौधों की देखभाल करके खुश है. व्हाट इज द सेंटेंस. वह पौधों की देखभाल करके खुश है. कैसे बोलेंगे. ही इज ग्लेड टू. आप देखभाल करने को बोलते हैं टेक केयर या लुक आफ्टर. मैंने एक नई फ्रेज यहां पे लगा दी, लुक आफ्टर. ही इज ग्लेड टू लुक आफ्टर प्लांट्स. क्या बोलेंगे. ही इज ग्लेड टू लुक आफ्टर प्लांट्स. वह अपने परिवार से मिलकर खुश है. सेंटेंस क्या है. वह अपने परिवार से मिलकर खुश है. कैसे बोलेंगे. ही इज ग्लेड टू मीट हिज फैमिली. ही इज ग्लेड टू मीट हिज फैमिली. हम अच्छी खबर साझा करके खुश हैं. वी आर ग्लेड टू शेयर गुड न्यूज. तो ये हो गए हमारे पांच सेंटेंस. अब हम अगले पांच सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को पक्का करेंगे. क्योंकि कोई भी टॉपिक पक्का तभी होता है जब उसके 10-20 सेंटेंस कम से कम हम प्रैक्टिस करें. ये जान लेना कि मुझे ये पैटर्न पता है, इतना काफी नहीं होता है. हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. वे नया व्यवसाय शुरू करके खुश हैं. कैसे बोलेंगे. They are glad to start new business. क्या बोलेंगे. New business. वह अपनी नई कार चलाकर खुश है. कैसे बोलेंगे. He is glad to drive his new car. मैं नई जगहों की खोज करके खुश हूं. सेंटेंस क्या है. मैं नई जगह की खोज करके खुश हूं. I am glad to explore. खोजना मतलब एक्सप्लोर करना. I am glad to explore new places. आप बच्चों को पढ़ाकर खुश हैं. सेंटेंस क्या है. आप बच्चों को पढ़ाकर खुश हैं. कैसे बोलोगे. You are glad to educate your children. You are glad to educate your children. यहां लिख देता हूं children, because there is a less place. मैं कक्षा में शामिल होकर खुश हूं. कैसे बोलेंगे. I am glad to be the part of the class. तो गाइस, इस तरीके से हमने ग्लैड के कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली और इससे कंफर्म हो गया कि सर अब ना हम नींद में भी ये सेंटेंस बोल सकते हैं. तो बहुत अच्छी बात है. तो नींद में बोलने की जरूरत है नहीं. आई हैव 5 क्वेश्चंस फॉर यू एज अ होमवर्क. क्योंकि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं, एक बहुत अच्छी आदत है मेरी और आपकी भी, कि मैं होमवर्क देता हूं और आप उसे कॉमेंट में करते हैं. तो देखिए, इन 5 सेंटेंसेस के जवाब मुझे कॉमेंट में चाहिए. 2 मिनट लगेगा. टाइप कर देना ताकि पता चले कि आप कितना सीखे. सी द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस क्या है दोस्तों. वे बैठक में शामिल होकर खुश हैं. आप नई स्किल सीखकर खुश हैं. वह खेल में जीतकर खुश है. आप त्योहार मनाकर खुश हैं. वह असाइनमेंट पूरा करके खुश है. तो ये हो गए आपके 5 सेंटेंस. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा. अगर हाँ, तो फिर क्यों ना आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें.
दोस्तों अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे एक बहुत बढ़िया ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का नाम है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मास्टरडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें मास्टरडी ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई कोर्स संबंधित जानकारी लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक यू सो मच।